अच्छा सोलर पैनल ही सस्ते हुए हैं या इसके साथ बैटरी और इन्वर्टर भी सस्ते हुए? असल चीज जो है सोलर पैनल में है क्या जो हमें बहुत सोच के लेनी है, ये शीट, ये पैनल या बैटरी? बैटरी और सोलर पैनल आए नहीं है अभी, आने में कम से कम तकरीबन मेरे ख्याल से। तो दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं अब वो ये वाले सोलर पैनल नहीं लगाएंगे, इसमें पाकिस्तान में ज्यादा आ गए। बिल्कुल ऐसे 16,000-14,000 रुपए का पैनल था। लोकल तो 600 भी मिल जाता है, 585 ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। 40% 30% का फर्क आया है। 6 का लोगे वो आपको 36 रुपए पर वाट है। कि यार इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, बहुत बड़ी शॉप है सोलर पैनल की। अस्सलामुअलैकुम, फोकस विद फहीम के साथ मैं हूँ सुमैया खुर्शीद और मैं इस वक्त पैदल पैदल चल रही हूँ अब्दुल्ला हारून रोड पे, और पैदल पैदल जाऊँगी मैं कहाँ, मैं जा रही हूँ जनाब अब्दुल्ला हारून रोड से रीगल चौक की जानेब। और रीगल चौक पे क्या है? रीगल चौक पे हल है आपके बिजली के मसाइल का। तो आज का व्लॉग में यही बताएंगे कि कराची वाले किस तरह निपटे हैं बिजली के बहरान से, और कौन से मुतबादल ज़रा इस्तेमाल करें। और अब्दुल्ला हारून रोड अख्ताम को पहुंचा और ये आ गया है जनाब रीगल चौक। मेरे साथ साथ चलते जाएं और फोकस विद फहीम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रीगल चौक से ये तो खैर बहुत सारी दुकानें हैं चश्मे वगैरह की, मगर मैं आपको बताऊं कि मैं जा रही हूं बेसिकली कहाँ, बता रही हूँ, इंतज़ार करें थोड़ा सा। अभी हम एक और रोड क्रॉस करेंगे और हम फिर पहुँचेंगे वहाँ जहाँ हमें जाना है। सदर में आप घूमें और आप रोड क्रॉसेस ना करें ऐसा हो नहीं सकता। और इस पतली सी जगह से निकलते हैं, ओह यहाँ रास्ता नहीं है। और जनाब ये है वो जगह जिसका था इंतज़ार, सोलर पैनल की लाइन से यहाँ पर शॉप्स हैं और आप यहाँ पर आकर सोलर पैनल ख़रीद सकते हैं। अब देखना ये है कि हमसे बात कौन करेगा। ये है रीगल चौक और यहाँ पर लाइन से सोलर पैनल्स की शॉप्स हैं। यहाँ पर एक गहमा गहमी है और लोग सोलर पैनल खरीद रहे हैं। ले लेंगे तेरी भी। यहाँ अंदर सोलर पैनल की शॉप्स हैं बैटरी की। सोलर पैनल के हवाले से आप लोग बात करेंगे? इस वक्त मार्केट में सोलर पैनल सस्ते हुए हैं, तो क्या वजह है कि वो सस्ते हुए हैं? पोर्ट की वजह से, माल पोर्ट वालों ने सस्ता किया है, डीलरों ने सस्ता किया है, इस वजह से हमारे पास भी सस्ता है।
अच्छा जी। तो कितना सस्ता हो गया एक सोलर पैनल, जैसे 180 वॉट का सबसे छोटा सोलर पैनल है? सबसे छोटा पैनल पहले हम दे रहे थे 13,000 रुपए का। अच्छा। अब हम दे रहे हैं आखिरी 10,000 रुपए का। सही। और बड़े पैनल पे 60 रुपए पर वॉट चल रहा था, 80 बोल रहा हूँ। हम पहले बड़ा पैनल जो देते थे 60 रुपए पर वॉट से देते थे, अब वही पैनल हम 40-43 ये पर वॉट से दे रहे हैं, तो इतना डिफरेंस आ गया, 30,000 से 25,000 रुपए आ गया पैनल। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि बड़े से बड़ा पैनल कितने वॉट का होता है? बड़े से बड़े पैनल 585 अगर ओरिजिनल है, लोकल तो 600 भी मिल जाता है, 585 ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। तो ओरिजिनल से क्या मुराद है, लोकल से क्या मुराद है? ये ओरिजिनल होता है, पहले एक तो जिनको ये आ गया, ये आपको ओरिजिनल मिलेगा समथिंग 40 पर वॉट, और जो डुप्लीकेट है वो आपको 10 रुपए कम पड़ जाएगा, और वो ऐसे मसला है, वो एम्पियर अपनी लॉस करेगा। तो कितनी वैरायटी का सोलर पैनल है मार्केट में? हमारे पास अभी जो है लॉन्जी है, जिंको है, कैनेडियन है, और हमारे पास एमजी है, छोटे पैनल में एमजी है, और उसके भी छोटे पैनल में जिंको भी हमारे। तो कौन से अच्छे, जिंको कौन से अच्छे? लॉन्जी और जिंको सबसे ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। अगर अच्छा गिलास चाहिए भारी वाला तो कैनेडियन ज्यादा अच्छा। तो हम एक आम जो एक सिटीजन है, जब वो सोलर पैनल कस्टमर खरीदने आ रहे हैं, क्या चेक करें, उसको कैसे पता चलेगा भाई ओरिजिनल है या नहीं है? शॉप वाले बेवकूफ भी तो बना सकते हैं। सबसे पहले वो कागज देंगे, वो अगर वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और भी सही है। हाँ। पर इधर जो गिलास के अंदर होगा ना, वो एक स्कैनर होगा, अभी इसके पीछे होगा ये स्कैनर है, ये आईफोन में आप जिंको की ऐप डाउनलोड करेंगे उससे आपको मिलेगा। सही। ये जैसे आपने देखा ये स्कैनर है, और ये स्कैनर से आप स्कैन करके पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है जिंको का। ये जिंको तो ये सिर्फ जिंको वाले ही देते हैं ये स्कैनर, या और लोग भी देते हैं? नहीं, लॉन्जी भी देता है, और अल्लाह का भला करे कैनेडियन भी देता है। कैनेडियन, लॉन्जी और जिंको, ये तीनों देते हैं। तो पैनल देते हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, हम उसको बता रहे हैं, और भी बहुत पैनल देते हैं अगर ओरिजिनल है। अच्छा, कुछ इसकी ये जो शीट है ब्लैक, इस शीट का भी कुछ हिसाब है, अच्छी क्वालिटी बैड क्वालिटी, जैसे कि हम कपड़ा खरीदने जाते हैं? ओरिजिनल है तो, ओरिजिनल है तो ये अच्छी क्वालिटी है। इसके जिंको में भी, जिंको तीन उसमें वैरायटी आती है, लॉन्जी, जिंको। इसका डबल ग्लास होता है जिसके पीछे भी ग्लास होता है, ये वाइडनेस नहीं होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगा। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या जिस तरह हम कपड़ों में देखते हैं कि हल्का कपड़ा, भारी कपड़ा, कुछ वैरायटी, तो इस तरह इनकी शीट्स में भी वैरायटीज हैं? खाली ये कोई इसमें वैरायटी में इसमें मसला नहीं आता, इसमें कोई मसला नहीं। असल चीज जो है सोलर पैनल में है क्या, जो हमें बहुत सोच के लेनी है, ये शीट, ये पैनल या बैटरी? मतलब समझ नहीं आया मुझे। मतलब हम अगर सोलर पैनल लेना चाह रहे हैं, एक सेट बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो हम कहें यार इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? सबसे पहले तो पैनल और बैटरी पे और इन्वर्टर पे, इन तीनों चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और तार पे भी कॉम्प्रोमाइज बनता ना करे। कोई भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करे तो बहुत चांसेस है 5-6 साल आपके आराम से खींच ले। सही। और बड़े से बड़ा जो सोलर पैनल का है, जैसे कि हम कहें भाई आपने कहा 540 सबसे ज्यादा वॉट है ये, इस पे 585 इस पे रेफ्रिजरेटर, पंखे, वॉशिंग मशीन, ये सब प्लेट के वॉट के हिसाब से होता है। एक प्लेट है, अगर दो प्लेट है तो आप फैन चला सकते हैं और फ्रिज चला सकते हैं, और अगर आपका फ्रिज ज्यादा वॉट का है तो पैनल बढ़ेंगे, इन्वर्टर बढ़ेगा, और कुछ नहीं है, बस यही होता है, और बैटरियाज बढ़ेंगी, बस यही तीन चीजें बढ़ती हैं, तार वही रहेगी। और खर्चा कितना आता है? वो तो चीज के ऊपर है, जितना बंदा बढ़ाएगा उतना पैसा है। अगर आप 1 किलोवाट लगा रहे हैं लमसम में भी लगाएं तो 50,000 की ये दो प्लेटें आ जाती हैं, एक वेटर 40,000 रुपये इतने का वो पड़ जाता है, और तार वार वगैरह मतलब मिला के 70-80,000 ये बन जाता है, जिसमें कंट्रोलर वो बंदा वो भी लगा लेता है MPPT, और फिर स्टैंड लग जाते हैं बंदा, फिर घर पे आके लगाता है, गाड़ी का खर्चा। अच्छा, तो लगाई भी आप लोगों की उसी में शामिल होती है, वो अलग से होती है जी? जैसे लगवा रहे हैं हम, तो अगर हम हमारा इलेक्ट्रिशियन लेके जा रहे हैं तो वो काम, हम जो भी मसला होगा वो हमारे भी जिम्मे होगा, उसके भी जिम्मे होगा, हमारे भी जिम्मे, उसके आप अलग से चार्ज करते हैं? वो इलेक्ट्रिशियन के अपने पैसे होते हैं, हमारे कोई नहीं होते, वो इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है। सही। आपकी शॉप का नाम और क्या है? हमारी शॉप का नाम है MG, GM, सॉरी GM। ओके भाई, ये GM की शॉप है, रीगल पे ही है, और आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ी शॉप है सोलर पैनल की,
और इसके अंदर जाकर देखते हैं, सोलर पैनल ही सोलर पैनल है। बात करेंगे सोलर पैनल के हवाले से, डोंट हैव टाइम। क्या सोलर पैनल सस्ते हुए हैं? जी। क्यों? ये तो कंपनी बता सकती है क्यों हुए? पोर्ट पे कुछ? अच्छा, फोकस विद फहीम को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सामने भी कुछ शॉप्स हैं और हम रोड करके सामने की जाने भी जाते हैं और उनसे सोलर पैनल के हवाले से कुछ जाने की कोशिश करते हैं। अगर वो अभी हाल ही में सोलर पैनल की कुछ सस्ते हुए हैं सोलर पैनल, रीजंस पता है? रीजन क्या पता है? किसकी वजह से? नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। कौन सी? अभी वो जो आजकल दीवार पे लगने वाला जो पैनल है ना, तो वो पैनल क्या कहलाएगा? पैनल ही कहलाएगा, सोलर ही होगा। सोलर ही होगा, मगर वो एक साइज छोटा होगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो अब ये वाले सोलर पैनल नहीं ले रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है। अभी वो सोलर पैनल आए नहीं है, अभी आने में कम से कम तकरीबन मेरे ख्याल 60 का अपना साल लग जाएगा। मतलब वो अभी आ नहीं रहे, मतलब आए नहीं है, आ रहे हैं। तो दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं अब वो ये वाले सोलर पैनल नहीं लगाएंगे, इसमें पाकिस्तान में ज्यादा आ गए हैं। तो ये कितना सस्ता हो गया? जैसे 180 वाट का जो सोलर पैनल है वो कितने का था और अब कितने? तकरीबन मेरे ख्याल से 9,500 रुपए का पैनल हो गया, पहले 16,000-14,000 रुपए का पैनल था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैनल है तकरीबन इनके आधी आधी कीमतें कम हो गई या कितनी? 40% नहीं, 40%-30% का फर्क आया है। अच्छा, सोलर पैनल ही सस्ते हुए हैं या इसके साथ बैटरी और इन्वर्टर भी सस्ते हुए? बैटरी इन्वर्टर अपनी जगह पर, सोलर पैनल। क्या आप मुझे अच्छे सोलर पैनल और दो थोड़े से कम क्वालिटी के सोलर पैनल की कुछ पहचान बता सकते हैं? इसमें पैनल जो आता है, जिनको एन टाइप का पैनल आता है जो 585 वाट का है, वो आपको मिलेगा इस वक्त 40 रुपए पर वाट है। और अगर बी टाइप का जिंको का लोगे वो तकरीबन 38 रुपए पर वाट है। और लॉन्जी का आता है वो भी 40 रुपए पर वाट है। जे का लोगे वो आपको 36 रुपए पर वाट है इसके ऊपर। तो मतलब चूंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो पाकिस्तानियों के लिए पुरानी वाली टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी? अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो खाली सिर्फ बातें हो रही है, अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या हो। सही, मतलब जो है वो कुछ समथिंग इज चेंज, कुछ बदल रहा है जिसकी वजह से इतना कुछ पाकिस्तान में आया है। असल में फोर्ड में असल में माल बहुत है, अभी माल बहुत आ गया है, इसकी वजह से इस वक्त रेट नीचे, माल में थोड़ी शॉर्टेज हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगी। सही, आपकी शॉप का नाम क्या है? नाशको इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो ये था सोलर पैनल की कहानी, सोलर पैनल जिससे आप अपने बिजली के जो है वो बिल को कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली के बहरान को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये समझ लें कि वक्ती तौर पे ये ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है मगर उसके बाद ये आसानी देता है। और जैसे कि आपने सुना कि पोर्ट पे माल ज़्यादा आ गया है तो इसकी वजह से सोलर पैनल जो है वो कुछ सस्ते हुए हैं। और बाकी साहब कह रहे थे कि कुछ इस तरह का भी हिसाब किताब है कि पोर्ट पे माल ज़्यादा है, कुछ टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, ये सारा सिलसिला है। तो अगले किसी ब्लॉग में आपको कुछ और दिखाएंगे और वॉकिंग टेल हम आपको बताएंगे कि फोकस विद फहीम से मुझे सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।